many teams are there in the upcoming World Cup, Cricket World Cup? I don't. You don't have interest in cricket? Yes, sir, I don't have any interest. So who won the final IPL match? I don't. You tell me, what is inflation? Inflation, sir, the rising prices of general commodities is inflation. Tell me one more thing, that why DRDO is not successful in comparison to ISRO? ISRO is doing lots of things. There is very lot of reputation with ISRO. They have achieved a lot in space research, but why not in defense research? So I will say that DRDO is not successful. One, it is performing a lot compared to ISRO, maybe because it is not directly under the PMO. ISRO is directly under the PM, and DRDO is working under the defense ministry. One reason could be that. And the other, sir, I think that they both are complementary to each other, sir. Like technology in missiles can be, the rocket technology can also be used in the missiles technology. What is the Belt and Road Initiative of China? Sir, China, sir, they sir, trade you, sir. It is an all-encompassing initiative of China in under it. Sir, isme, sir, Belt and Road, sir, jis tarah brand se group ko sir dobara leke aane ki koshish kar raha hai China. Isme, sir, construction aur kafi bade project construction ke chal rahe hain aur sir ye China matlab apni jo economic power badh rahi hai sir usko bhi dikha rahe hain ek type se. Aur sir जो इशू है हमारा इसके प्रति हम ये कह रहे हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव न्यू कॉलोनियलिज्म को एक बढ़ावा दे रहा है कि चाइना जिस तरह जो पैसे दे रहा है सभी देश उसमें बेल्ट एंड रोड फंसते जा रहे हैं. एग्जाम्पल सर श्रीलंका का और पाकिस्तान का ले सकते हैं. तो सर मेन इंडिया का जो मुद्दा है सर वो सी पैक से रिलेटेड है क्योंकि सी पैक हमारे सर कश्मीर से जाता है. तो इंडिया में अभी जो unemployment rate है, it is around 6. Yes, right. So this is very high in comparison to previous years. So why, when everybody is saying economy is doing good, economy is doing good, so unemployment rate is very high, why so? Sir, एक कारण है सर labour force participation rate बढ़ रहा है. ज़्यादा लोग इस तरह के हो रहे हैं और तो सर वो labour force में आ रहे हैं. तो उस मुकाबले जो लेबर रेट को सर जो ग्रोथ है और सर जो ज़्यादातर ग्रोथ है वो सिर्फ सर्विसेज सेक्टर में आ रही है और सर्विसेज सेक्टर के लिए सर हमें ज़्यादा स्किल्स मिलेंगी जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर के मुताबिक मतलब ज़्यादा है सभी स्किल्स रिक्वायरमेंट. तो सर जो हमारे वर्क फोर्स है वो नहीं आ पा रही सर इसमें और जो ग्रोथ है सर वो मोस्टली मीडियम को सर कहते हैं कि इंडिया ग्रोथ कर रहा है भारत को नहीं कर रहा सर. रूरल एरियाज में अभी ग्रोथ नहीं है सर और जो सिटीज में है वहाँ पर इसलिए सर ये करूँगा. MCC का नाम सुना है? MCC सर तो वर्ल्ड कप में MCC मॉरिस परमिस सेंटर ये सुना सर. अच्छा CPIM का नाम सुना है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस मॉरिस सर ये पता है ये बैंक ऑर्गेनाइजेशन सर. RCC, 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 RC
How to construct the road? How to construct good roads? Put the roads. So first we level the ground and then we lay the gravels and then the only level ground. सेवा तो सर सर्वे वगैरह करने पड़ेंगे कहाँ से लोग निकालना है क्या करना है सर वो डैम है जिसमें सब आए सर तो फिर सर डैम फिल होगी तो डीम और फिर लाइटिंग करके सर तो आपको सर शुरू करेंगे और इस डॉक्टर जो मोस्टली फोकस है सर वो अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो रहा है सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो इसमें सर फिजिकल और जो मेंटल है सर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स उनको हम सर नेगलेक्ट कर रहे हैं तो सर मेरे को लगता है फिजिकल एजुकेशन को डालना चाहिए सर। यस सर दुष्यंत चौटाला सर। यस सर क्या खास बात है
सर खास बात तो एक तो सर ये है कि जिस तरह जो फैमिली बैकग्राउंड है सर उनका काफ़ी एक्टिव रहा है हरियाणा की पॉलिटिक्स में, और सर यंगेस्ट एम पी सर 2014 में जब वो इलेक्ट हुए थे तब यंगेस्ट एम पी थे सर। अब नहीं पता सर अभी। हाँ सर क्या सर? हाँ सर पहुँच रहे हैं सर, जिस तरह इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में सर ये एशियन पेंट्स की फैक्ट्री लगी हुई है सर, और सर मारुति सुजुकी का भी सर वो है एक प्लांट है वहाँ पे। सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है मारुति सुजुकी का, ये दो बड़े बड़े हैं सर। और सर जिस तरह एक सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन नट एंड बोल्ट की सर काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है सर रोहतक में। सर विमेन में सर जिस तरह अभी तो साक्षी मलिक ने सर ओलंपिक्स में मेडल जीता, पूरे इंडिया से दो ही मेडल थे सर, एक साक्षी मलिक का आया सर। और सर विमेन पर्सनैलिटी में सर हरियाणा से सर मानुषी चिल्लर अभी वो मिस यूनिवर्स जीती है सर, मेरे को फोकाट बहन भी हरियाणा से है सर, कल्पना चावला भी हरियाणा से है सर। सर रिकॉल नहीं कर पाया एकदम। हाँ सर सर हाँ सर सर जिस तरह खाप पंचायत जो एक तो सर जिस तरह हमारा जुडिशियल सिस्टम है सर तो वो सुपरसीड करना चाहिए सर खाप पंचायत को। खाप पंचायत को एकदम निकालना भी हमारे फेवर में नहीं है, ये एज अ प्रेशर ग्रुप एक्ट कर रहे हैं सर हमारी पॉलिटिक्स में, और सर इनको सर हम जिस तरह एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर सकते हैं जो गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में इंटरेक्शन का काम करे। सर अभी जो इमेज बन रही है वो सर इनकी थोड़े गलत कारणों के से बन रही है, तो सर उसको जिस तरह कंट्रोल किया जा सकता है कि वो जो जुडिशियल रोल ले रहे हैं अपना या जो मतलब अथॉरिटेरियन हो रहे हैं उनको दूर करके, और सर इनको एज अ कम्युनिकेशन लाइजन यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट और इसके बीच। यस सर सर मेरे को पानी की समस्या सर सबसे बड़ी है हरियाणा में इस टाइम, जो ये भिवानी साइड और सिरसा साइड है सर यहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता, और सर ग्राउंड वाटर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो सर कैनाल नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए। और सर जिस तरह ये हमने प्रोजेक्ट किया था सतलुज यमुना लिंक कैनाल सर, इसको भी अब जिस तरह पॉलिटिक्स के कारण बीच में अटक गया है तो सर इसको भी पूरा करना चाहिए। और सर जो लगातार ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है ज़्यादातर ट्यूबवेल्स के कारण सर, उसको भी कंट्रोल में करके वाटर हार्वेस्टिंग को हमने और प्रोसेस जोर देना चाहिए, और सर जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है सोइल सैलिनेशन और इनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा सर। हाँ सर करना सर सॉल्यूशन सर जिस तरह अब कैनाल नेटवर्क को सर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और सर हमें जिस तरह लोकल जो है ना वाटर हार्वेस्टिंग के जो लोकल तरीके हैं सर, जिस तरह झोड़ वगैरह बना के और अंडरग्राउंड वाटर को इस तरह कंट्रोल करना पड़ेगा, और सर क्रॉप्स का भी सर एक जिस तरह हम चावल बोते हैं सर, ज़्यादा चावल जो हमारे ड्राई इलाके हैं सर इनके लिए सूटेबल नहीं है, तो हमें एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग पे भी ध्यान देना होगा कि हम जिस तरह जो चावल हो गए और सर जो ये गन्ना हो गया सर इनकी खेती उन्हीं इलाकों में करें जहाँ पे पानी ठीक अवेलेबल है। हाँ सर ठीक है सर। सर एक तो मैं कहूँगा सर मैं लीडरशिप क्वालिटी सर क्रिएटिविटी और सर कंपैशन तीन ये बोलें। यस सर रेरा का फुल फॉर्म बता सकते हैं? हाँ सर फुल फॉर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन सर मैं थोड़ा मैकेनिज्म समझ सकता हूँ इसका किस तरह काम करता है। सर जिस तरह रेडियो वेव्स भेजते हैं सर इसमें, तो वो टकरा के जब वापस आती है तो उनको डिटेक्ट करते हैं हम सर रडार में।
मेरे को लगा सर रेडार पूछ रहे हो, रेरा सर रियल इस्टेट वो जो एजेंसी बना रहे हैं सर रियल इस्टेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, उस वो है सर फुल फॉर्म नहीं पता सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Please.